सेंट्रल अमेरिका के नीचे जो ये पूंछ देख सकते हो, इसको अगर काट कर कनाल बना दे तो जो शिप्स के लिए अटलांटिक ओशन से उस पार पैसिफिक ओशन जाने के लिए जो 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है वो लगभग खत्म हो जाएगा। बहुत लोग इसे बनाना तो चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए। फिर अमेरिका ने इसे बनाना चाहा लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि जो ये पनामा है वो रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का हिस्सा था और ये अलग संघर्ष कर रहे थे कोलंबिया से आजादी के लिए। तो यूएस ने इनकी हेल्प की और पनामा आजाद भी हो गया 1903 में, और अमेरिका जो चाहता था वो भी उन्हें मिल गया, एक लगभग 10 माइल चौड़ी स्ट्रिप। यहाँ यूएस ने 1914 तक कनाल तो बनाई ही, लेकिन साथ में जो ये 10 माइल वाइड एरिया था पनामा कनाल जोन, इसको भी अब यूएस ही ओन करता था 1999 तक। फिर इसका पूरा कंट्रोल पनामा के पास आया।